आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं मोहम्मद नासिर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक मेंबर हूँ, उसके साथ साथ जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल भी हूँ। और ये जो हमारा जो बार एसोसिएशन है वो बाकी मुख्तलिफ जगहों की तरह, बाकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरह हमेशा एक पॉलिटिकल होता है। बार एसोसिएशन जो अपने वकीलों के लिए, अपनी वकील साहिबान के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। और मैं आज लद्दाख में हूँ। आज सबको इल्म है कि लद्दाख का सिचुएशन चाइना के साथ किस तरह से चल रहा है। एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है जिसमें मुझे भी इजाज़त नहीं है। हालांकि मैं एक बीजेपी पार्टी का एक वर्कर भी हूँ, लेकिन मुझे भी अथॉराइज नहीं। हमारे एमपी साहब है, हमारे सीसी साहब है, हमारे जितने भी सिस्टम है, सिक्योरिटी के इशू के मामले में कुछ डिस्कस नहीं होता है, ना हमें अख्तियार है। लेकिन हमारे जो बार के प्रेसिडेंट है मिस्टर शफी लसू साहब, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर है और वो कांग्रेस के वो जनरल सेक्रेटरी भी है अभी प्रेजेंट, और वो कांग्रेस के 3 बार काउंसलर रह चुके हैं और 2.5 साल जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर रह चुके हैं, और वो अभी हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पे कल उन्होंने एक मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया था जो कि वैसे भी कंट्री के सिक्योरिटी के बारे में था, कंट्री के स्ट्रेटजी के बारे में था, डिप्लोमेसी के बारे में था। उन सब चीज़ को एक जगह पर ताक पर रख के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, एक बार के प्रेसिडेंट के हिसाब से दिया, बार के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसको हम बिल्कुल मजम्मत करते, कंडेम करते। क्योंकि हमारे बार में 50 से 60 तक मेंबरान हैं, उनमें से मैक्सिमम जो है हमारे बीजेपी के मेंबर हैं। यक्के दुक्के जो शफी साहब खुद है वो कांग्रेस के साथ वाबस्ता रखता है, कांग्रेस की पार्टी के एक्टिव मेंबर जो मैंने कहा है। बाकी काफ़ी वकालत वकील साहिबान जो है, ए पॉलिटिकल वकील भी है जो किसी पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं है, तो एक मिला जुला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने जो कल एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट जारी किया था, एक तो उन्होंने बार का जो है प्लेटफॉर्म गलत यूज़ किया था किसी के पूछे बगैर, दूसरा जो इंट्रोडक्शन भी जो है उन्होंने बार के प्रेसिडेंट के हिसाब से दिया था, तीसरा जो है उन्होंने इंडिया के हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि आज के हालात में गलवान नाला में इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना अच्छा स्ट्रेटजी है, इतना अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिसी चल रहा है, मिलिट्री स्टैंड चल रहा है, मिलिट्री सिचुएशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बहुत अच्छे से टैकल कर रहा है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट जारी किया था, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से हमारे हक में बात किया था, वो सबको वाजह है। उसको मैं कहने का इस कैपेसिटी में नहीं हूँ क्योंकि मेरा औकात भी इतना नहीं, मैं काउंसलर होने के बावजूद, लेकिन उन्होंने इस तरह से बात किया था कि जैसे कि वो खुद जो है गलवान नाला में जाके वहाँ पे बैठ के 2-3 हफ्ते बैठ के सर्वे करके आया, और उन्होंने इस तरह से बात किया कि जैसे कि वो कोई मिलिट्री एक्सपर्ट है या डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट है, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। और उसके बावजूद जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी के खिलाफ। अभी जो हमारे जब से ये हालात बने हुए, जब से जो हमारे जो मोदी सरकार आई हुई, मोदी साहब का सरकार आए हुए सेंटर में, तब से इस बॉर्डर को वीकेंड करने की बात तो छोड़ दीजिए, इनका जितने भी जो है जो रफ रोड थे जहाँ पे चलने के लायक नहीं था, इसी गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक्सेसिबल बनाया है बॉर्डर तक हमारे जवानों के लिए, हमारे मिलिट्रीज के लिए बिल्कुल अच्छा एक हालात बनाया है, अच्छा एक सिचुएशन बनाया है। तो जिसने मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, दिस इज़ ए सिक्योरिटी इशू जो मैं इस कैपेसिटी पर नहीं हूँ जो कि सिक्योरिटी इशू है। बाकी जो अभी हमारा गवर्नमेंट जिस पार्टी के साथ मैं ताल्लुक रखता हूँ, वो जो है पिछले 70 साल का जो है गंदगी जो है वो सफाई कर रहा है, जो गंदगी जो लद्दाख में फैलाया था चाइना और कांग्रेस गवर्नमेंट के, कभी लेना तो कभी देना, जितने भी चिराग हैं, जितने भी जमीन जो है जो चले गए, हम तो उसको वापस लेने के चक्कर में, उनको छोड़ने के चक्कर में तो छोड़ो, अभी हमारा जो है हमारा जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है वो वापस लेने की स्ट्रेटेजी नहीं चल रहा कि जो भी ये कांग्रेस के टाइम पे। बाकी 1962 का वो जिक्र कर रहे थे, 1962 में हमने जो हुए थे मिलिट्री वाइज जो जंग जो हारे थे, कांग्रेस पार्टी ने जंग हारा होगा, मिलिट्री वाइज जो हमारे लोगों ने जहाँ पे जंग जीते थे, और वो उनका जिक्र कर रहा था जो शफी साहब का 62 का जिक्र कर रहा था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारा जवान उस वक्त भी मिलिट्री वाइज जंग जीते थे, उनका कांग्रेस ने जो जंग हारा होगा। इसी तरह जो आज तो बिल्कुल 1962 का गवर्नमेंट है भी नहीं है, अभी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कर रहा है वो
تمام لداخیوں کے لیے ہی نہیں تمام ہندوستان کے لیے انٹرنیشنلی جو فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہا ہے اور جو انہوں نے جو شفیع صاحب مسٹر شفیع نے جو اس گورنمنٹ کے خلاف بولا تھا وہ نہ کہ گورنمنٹ انڈیا کے پاپولیشن کے خلاف بھی بولا تھا یہاں تک کہ ہمارے لوکل سینٹیمنٹ کو ہٹ کیا تھا جس گورنمنٹ نے ہمیں یونین ٹیریٹری ہمیں تحفے بھی دیا تھا تو اس سے جو ہے ہمارے باہر کے لوگوں کو بھی کافی اس میں شکوا شکایت ہے ہمارے لداخ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی شکوا شکایت ہے کیونکہ اسی گورنمنٹ کے خلاف بول رہا تھا جس گورنمنٹ میں ہمارا 70 سال کا خواب جو ہے پورا کیا اوپر سے جو ہے انہوں نے باہر کا جو پلیٹ فارم یوز کیا وہ بالکل کنڈیمیبل ہے اس باہر میں جو ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں شکریہ میں گلزار حسین زدوی ممبر بار ایسوسیشن نے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل آن لائن نیوز کے میں ہمارے پریزیڈنٹ محمد شفیع لسو صاحب نے بار کونسل لہ کا نام لے کے اس پلیٹ فارم کو انہوں نے بالکل پولیٹیسائز کر کے مس یوز کیا کیونکہ ہمارا لداخ جو ہے ایک بالکل ایک پیسفل علاقہ رہا ہے اور یہاں جو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا لداخ کا جو بار کونسل جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے ایک نان پولیٹیکل ایسوسیشن رہا ہے اور اس بار ایسوسیشن کا جو جتنے بھی کام ہے وہ وکلا حضرات کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات کل ہوا کہ ہمارے پریزیڈنٹ شفیع صاحب نے اس ایک پیور ہمارے اس ایسوسیشن کو پولیٹیسائز کر کے بالکل انہوں نے یوز کیا ہم اس کی بالکل پرزور الفاظ سے مذمت کرتے ہیں اور یہ بیان جو انہوں نے ہمارے بار کونسل میں تقریباً 60 کے لگ بھگ اگلا حضرات ہیں ان سے صلاح و مشورہ کیے بغیر انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے اور شفیع صاحب نے جو کل بات کہہ رہے تھے وہ بالکل قومی سلامتی کے متعلق وہ بات کر رہے تھے ہمیں پتا ہے کہ قومی سلامتی کے متعلق نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں نہ شفیع صاحب کچھ کہہ سکتا ہے نہ ہمارے جو جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہیں مگر شفیع صاحب نے کل اپنے چمبر میں بیٹھ کے اس طرح کے جو بیانات دیے ہیں ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں